आज मैं आपको सिखाऊंगी टेस्टी एंड डिलीशियस हॉट चॉकलेट। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं। उसे दबाना ज़रूरी है ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के अंदर हम दूध को शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ आधा कप दूध मैंने यूज़ किया है, बिल्कुल ठंडा। यहाँ पर हम आहिस्ता आहिस्ता ही कॉर्नफ्लोर के अंदर दूध को शामिल करेंगे। उससे कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और कोई गुठलियाँ नहीं बनेंगी, यानी लम्स नहीं बनेंगे कॉर्नफ्लोर के। तो यहाँ कॉर्नफ्लोर मैंने यूज़ किया था 1 टेबल स्पून, और कॉर्नफ्लोर यानी मकई का आटा जो आपको कंपनी की पैकिंग में मिल जाएगा और उसके अलावा लूज भी मिल जाएगा। इस हॉट चॉकलेट की रेसिपी में कोशिश करिएगा कि फुल क्रीम ही दूध यूज़ करें, उससे इसका बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है। कॉर्नफ्लोर और दूध को हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं है। इसे साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सॉस पैन। इसके अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर 1 टेबल स्पून, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 टीस्पून, दानेदार चीनी 3 टेबल स्पून, 1 चुटकी नमक। अब इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद दूध डालेंगे। यहाँ मैंने 1 कप दूध यूज़ किया है। टोटल इस रेसिपी के अंदर 1.5 कप दूध यूज़ होगा। यहाँ पर भी हम दूध आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाए, और उसके बाद हम सारा दूध शामिल करेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें। अब देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने चूल्हे पर रखने से पहले ही मिक्स कर ली हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, उसके बाद आप चूल्हे पर रखिएगा। अब देखें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, पकाने की तरफ। तो अब स्टार्टिंग के अंदर हम हाई फ्लेम रखेंगे, यानी तेज़ आंच रखेंगे ताकि इसके अंदर बबल्स आएंगे, पकने लगे। जब ये पकने लगेगा तब हम मज़ीद चीज़ें डालेंगे इसमें। अब देखिए, बबल्स आ रहे हैं, ये पक रहा है। तो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो देखिए, मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरीके से हाथ दरात मिक्स करके डालिएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो बॉटम में बैठ जाता है, इसलिए इसे मिक्स करके अच्छी तरीके से फिर ऐड करेंगे हम। और जब हम ऐड कर रहे होंगे कॉर्नफ्लोर को, तो उस वक्त हम लो फ्लेम कर देंगे, यानी हल्की आग कर देंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने कॉर्नफ्लोर की। और दाल के मुसलसल मिक्स करते रहेंगे। जब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चॉकलेट। अब देखें, कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर चॉकलेट 1/2 कप। यहाँ मैं डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर से आपको चॉकलेट नहीं मिलती है तो इसकी जगह आप चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन चॉकलेट का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है चॉकलेट चिप के मुकाबले में। अगर से घर में चॉकलेट हो तो फिर चॉकलेट ही लाजमी यूज़ कीजिएगा। और देखिए, चॉकलेट जो मैंने डाली है वो थोड़ा चूरा करके डाली है, उससे आसानी होती है मेल्ट होने में। बस अब हम हॉट चॉकलेट को इतना पकाएंगे कि इसके अंदर जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाए कंप्लीट, कोई दाना ना रहे। देखिए, मैं स्पैचुला पे आपको दिखा रही हूँ, कोई भी दाना नहीं है ज़रा सा भी चॉकलेट का। अभी हमारी हॉट चॉकलेट बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है और बहुत मज़े की होती है। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।